तो आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं माइग्रेन टेबलेट के बारे में। माइग्रेन टेबलेट होता क्या है, कैसे खाना है, कब नहीं खाना है, डोज क्या होगी, पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें ताकि माइग्रेन टेबलेट के बारे में जो भी जानकारी है आप ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बताते हैं माइग्रेन टेबलेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें माइग्रेन टेबलेट की। जैसा कि आप देख सकते हैं माइग्रेन टेबलेट की पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है। मैं इसको खोलकर आपको अंदर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि माइग्रेन देखने में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं माइग्रेन टेबलेट देखने में कुछ इस तरह का होता है। हम बात करें इसके प्रोडक्शन कंपनी की, तो बेसिकली जो इसका प्रोडक्शन कंपनी है वो एक जेनेरिक कंपनी लिफोर्ड है। लेकिन अब जो लिफोर्ड है धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है पेटेंट कंपनी की तरफ। लेकिन फिर भी अभी इस समय जो मार्केट में माइग्रेन के नाम से टेबलेट लिफोर्ड कंपनी का आ रहा है वो एक जेनेरिक फॉर्म होता है। हम बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, तो करीब ये 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच मार्केट में मिलेगा आप। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माइग्रेन होता क्या है, जहाँ पे आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो माइग्रेन एक ऐसे प्रकार की परेशानी होती है जो आपके सर से रिलेटेड होती है। कभी कभी आपको भारी आवाज़ के सुना आपके कानों में घंटियाँ सुनाई देती हैं भारी आवाज़ के साथ, या आपको नौजिया वोमिटिंग के साथ सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, आपका सर हमेशा भारी भारी सा लगता है, कोई भी एनर्जेसिक लेते हैं एनर्जेटिक्स की दवा लेते हैं फिर भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई भी मान लीजिए कि आपने निमोसलाइड पैरासीटामॉल लिया हो या फिर साइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल लिया हो या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम का टेबलेट लिया हो, लेकिन उसका जो बेहतर रिस्पॉन्स है आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी आपके जो सर दर्द की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। तो इन सब कंडीशन में माइग्रेन पेन के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। माइग्रेन पेन आपके पूरे सर में हो सकता है या फिर सर के आगे साइड में हो सकता है। माइग्रेन पेन होने पर आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको पलटी हो सकती है, और जो आपका सर है बहुत तेज से दर्द करेगा जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ महसूस होगा कि आपको चक्कर आ जाएंगे और आप गिर पड़ेंगे। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन होने के बाद आपको दिखाई पड़ेंगे। माइग्रेन होने में आपको बहुत ज़्यादा चक्कर की प्रॉब्लम या वोमिटिंग के प्रॉब्लम के साथ साथ ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं कि आपके आंखों से हल्का धुंधला दिखाई पड़ सकता है। तो बेसिकली इस कंडीशन को आप माइग्रेन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसमें आपको किसी की आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगेगा, यानी आप किसी की आवाज़ को ना सुनना पसंद करेंगे, या फिर आपके कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी या फिर सीटियों की आवाज़ आपके कानों में सुनाई पड़ सकती है। ये सब माइग्रेन के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं माइग्रेन टेबलेट की और माइग्रेन टेबलेट में पाए जाने इंग्रेडिएंट की, जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपके माइग्रेन की जो परेशानियाँ वो खत्म हो सकती हैं। तो हम बात करें माइग्रेन टेबलेट की, तो बेसिकली इसमें 4 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट होता है एर्गोटामाइन टाइट्रेट होता है। बेसिकली एक ऐसे प्रकार का इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपके नसों में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे सप्रेस करता है, धीमा करता है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड फ्लो है आपके नसों में वो सप्रेस होता है, जिसकी वजह से जो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपका जो सर भारी हुआ है, आपको जो नोजिया की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सप्रेस होती जाती है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो पैरासीटामॉल होता है। पैरासीटामॉल करीब 250 मिलीग्राम के करीब इसमें पाया जाता है, एमजी के करीब पाया जाता है। बेसिकली एक एंटीपायरेटिक एनर्जेसिक ड्रग होती है जो आपके शरीर में पेन हो रहा है, मान लीजिए आपके हाथों पैरों में पेन हो रहा है या फिर बदन में कहीं भी आपके दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा हो पेट दर्द को छोड़कर, तो उन सब परेशानियों में अच्छे से काम करता है और आपकी जो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। हम बात करें इसमें तीसरे इंग्रेडिएंट की, जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है कैफीन होता है। कैफीन होता है वो 100 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। कैफीन जनरली एक प्रमोटर के रूप में काम करता है, यानी जब आप कैफीन को कंजप्ट करते हैं तो आपका शरीर कुछ भारी भारी सा भी लग सकता है, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका शरीर हल्का हो जाता है। बेसिकली जो कैफीन होता है जो इसमें मिला होता है वो कि एर्गोटामाइन प्रकार का सब्सटेंस होता है, उसके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। हम बात कर लेते हैं इसमें पाया जाने वाले चौथे इंग्रेडिएंट की, जो चौथा इंग्रेडिएंट पाया जाता है क्लोरपेराजिन मैलेट होता है, जो कि एक ऐसे प्रकार का इंग्रेडिएंट होता है जो आप में नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कि आपको सर दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पलटी हो जाएगी, तो इन सब कंडीशन में आप इस इंग्रेडिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली और भी प्रकार की दवाएं मार्केट में अलग अलग ब्रांड से उपलब्ध है, मान लीजिए एंटी माइग्रेन के नाम से या फिर बेसोग्रेन के नाम से आपको मार्केट में दवाएं मिल जाएंगी। इसमें जो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की दवा है वो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें बेसिकली कैफीन या पैरासीटामॉल का ही कॉम्बिनेशन होता है या फिर एरोगोटामाइन के साथ कैफीन का कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, या फिर आप एक लीवर पेशेंट हैं जिनको लीवर की डिजीज हुई है,
या फिर आप एक रीनल प्रॉब्लम से परेशान पेशेंट है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का प्रयोग ना करें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। तो अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 60 साल के बीच में है जिसमें माइग्रेन की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस कंडीशन में आप इस टेबलेट का प्रयोग एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम लगातार 20 से लेकर 28 दिनों तक कर सकते हैं। बेसिकली जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये आपके एनवायरमेंट पे भी डिपेंड कर सकती है, यानी आप बहुत ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हॉर्न की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी हॉर्न दिन रात बजते रहते हैं, या फिर व्हीकल्स जो हैं दिन रात रन करती रहती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ होती हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको शोर शराबे से प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्राउडेड एरिया से बचें और खुद को एक ऐसे स्थान पर प्लेस करें जहाँ ऐसे क्राउडेड एरिया ना हो। बेसिकली आप अपने खान पान पर भी कंट्रोल कर माइग्रेन को कम कर सकते हैं। आपको कोई परेशानियाँ जो हैं बढ़ती चली जाएँ तब आप इस टेबलेट का प्रयोग करें। अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंजेक्शन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इंजेक्शंस होते हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हॉस्पिटल में ही दिए जाते हैं। इंजेक्शन का प्रयोग कभी घर पे ना करें। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो माइग्रेन टेबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आपको इससे रिलेटेड बताया गया आपको समझ में आया होगा, और आप अगर माइग्रेन से परेशान हैं तो इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे और आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी सर दर्द की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा सर दर्द महसूस होता है, तो उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हमेशा कोई भी दवा लाने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल प्रकाश फार्मा पे मिलती रहे। तो टेबलेट का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।